नहीं, हम आलू गोभी वोभी नहीं खाएंगे। आलू गोभी कौन खाता है बे? घर में इंसान आलू गोभी खा रहा है, यहाँ भी खाए बैठ के। अबे भैया, रजा रिकॉर्डिंग अभी है शुरू किया, 55% बैटरी भाई। गोप्रो का अलग ही एक खेल है भाई साहब। ओहो चाचा नमस्कार। तो भैया तैयारी अपनी हो चुकी है, कैमरा अपना सेट हो चुका है और ये मेरा पहला मोटो व्लॉग होगा जो हम करने जा रहे हैं। और भैया जोरदार हेलमेट कैसे दिखाएं, जोरदार हेलमेट साथ में गोप्रो। ये अपनी गाड़ी खड़ी है भाई साहब, कोहरा जम जा रहा भाई, वाइजर खोलना पड़ेगा, बिना वाइजर के नहीं होगा। पहले गाड़ी को कर ले गर्म, गर्म हो जा रानी ठंडी भाई साहब, बहुत तगड़ी है, स्टार्ट हो जा। थोड़ी देर अपनी गाड़ी गर्म हो जाए भाई साहब, ठंडी बहुत ज़्यादा है। और अभी यहाँ से हम निकलेंगे, शिवांग को लेंगे, शिवांग को लेने के बाद उसके बाद हम लोग सीधा निकल जाएंगे मनगढ़ की तरफ। और भाई ये सस्ता सा हमने ग्लव्स खरीदा है गाड़ी चलाने के लिए, बढ़िया वाला लेंगे जिसमें मोबाइल वोबाइल भी इसी इसी करके चल सके। हेलमेट में बोलने में एक चीज़ भी ये बढ़िया है ना भाई, अपना बोलते रहो बड़बड़ाते रहो, सामने वाले से मतलब नहीं है। कैमरा लगा है, अभी रास्ते में लोग देखेंगे क्या है। और आज पहली बार मोटो व्लॉग अपन करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या आता है इसका। हौंक दे क्या भाई थोड़ा सा, और इसमें पेट्रोल देख रहे हो ना, पेट्रोल तीन डंडी है, पेट्रोल डलाएंगे नहीं, देखते हैं ये तीन डंडी में पहुंचती है कि लेके आती है कि रास्ते में ख़त्म होती है, देखा जाएगा। भाई बहुत कोहरा भाई, कोहरा बाहर नहीं है, कोहरा हमारे हेलमेट के अंदर जम गया है, बहुत तगड़ा कोहरा है भाई साहब। और वाइज़र खोलेंगे भाई, बाहर की आवाज़ ज़्यादा आएगी, कोई मतलब नहीं है, लोगों का रिएक्शन देखो क्या होने वाला है। चल रहे हैं, हेलमेट के अंदर से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरे में बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा है, जबकि बाहर कोहरा नहीं है। आप लोग देख सक रहे होंगे बाहर कोहरा नहीं है, कोहरा अंदर ही अंदर है भाई साहब। तो हम अंदर जानते हो, अंदर एक तो खाली हाईनेक पहने और ऊपर से अपनी जैकेट पहने और कुछ नहीं पहने, पता नहीं गाड़ी के साथ व्यू कैसा आ रहा होगा भाई। भगवान थोड़ा सा जो है धूप कर दो, तो ये जो कोहरा जम जा रहा हमारा हेलमेट में, हेलमेट से कोहरा ख़त्म हो जाए। तो भाई साहब ये देखिए हमारा पहला मोटो व्लॉग है, ठीक है भैया, अब गलती उलती थोड़ा बहुत हो जाएगी, सुधार करेंगे धीरे धीरे। भैया आपको मज़ेदार कंटेंट देने के लिए सारी चीज़ें किया है, अपना भयानक रोड का माइक लगा हुआ है इसके अंदर, तगड़ा चलेगा। भैया पलट के देखो भैया, इंटरनेट वाली गाड़ी साइड कर लीजिए। अब बढ़िया भाई, हमको पहले लग रहा था ना कि अगर हम इसको अभी मान लो हेलमेट हेलमेट पे लगा लेंगे तो हमको व्यू नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं ना भाई, जबर दिख रहा है व्यू। अब आप लोग को व्यू कैसा आ रहा पता नहीं, थोड़ा सा ही हमारे हेलमेट पर कोहरा भी जम गया इसलिए हम और नहीं देख पा रहे हैं कि कैसा है। उम्मीद है बढ़िया आ रहा होगा, गाड़ी भी दिख रही होगी सामने जो है, लोग भी दिख रहे होंगे भाई। जैसे जैसे सांस ले रहे हैं भाई वैसे वैसे और एकदम अंधेरा होता जा रहा भाई, कोई रिएक्शन दे रहा होगा हम देख ही नहीं पा रहे हैं, एडिटिंग में दिखेगा अगर कोई रिएक्शन दिया होगा। ओह माय गॉड, मोटो व्लॉगर जा रहा है, हमको पता नहीं ना भाई, नवा नवा शुरू। हाँ एक तो भैया खुल्दाबाद से लेके और तुम्हारा ये ट्रांसपोर्ट नगर बमरौली अमरौली तक सुबह सुबह जौन बाबा शेर की दवा बेचते हैं भाई साहब। बाबा शेर सही ना होता होगा, बाबा शेरा हो जाता होगा। हेलमेट हेलमेट ऊपर ऊपर करके देख रहे भैया कैसे आ रही है आवाज़ आवाज़, लेकिन जो भी है भाई बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। ये देखो भाई जाम भी है, यही कह रहे थे अभी कल यहीं फंसे थे, कल लंबा भाई जाम पूरा वहाँ से फंसा हुआ था, पूरा चौराहे से जाम लगा हुआ था, ये सब पूरा जाम था। गाय हमारी माता हैं, भैंस क्या हैं मौसी, बजरंग बली का है मंदिर, जय श्री राम। तो ये बजरंग बली का मंदिर आप देखिए तो एक बार जय श्री राम ज़रूर बोल दिया करिए, क्योंकि हनुमान जी राम जी के नाम से ही खुश होते हैं और आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण करेंगे, हमारी भी पूरी करेंगे। हम डेली बोलते हैं भाई, हम इस वाले रोड पे आते हैं ना, हम डेली बोलते हैं।
और भाई गाड़ी में हमने वो आपको दिखाया नहीं, हमने थोड़ा सा कुशनिंग करा ली थी गाड़ी पे, तू थोड़ा सा ना बैठने में सिस्टम। हाँ चाचा क्या हुआ, क्या कूद रहे? अबे कुछ गिरा भाई, सट्ट से कुछ बोला भैया, हमारा सब है ना फिट। पता चला हुआ गोपरे ऊपर पलट गया, अब रिकॉर्ड बोले ही जा रहा है भाई। कुछ सही में कुछ गिरा है, कुछ आवाज आई है। अब भाई इसमें जो माइक लगा हुआ है वो रोड का माइक लगा हुआ है, मेरे पास रोड का माइक बहुत पहले से रखा हुआ था और मेरे पास रोड का शॉटगन माइक भी है। तो भाई व्लॉगिंग मोटो व्लॉग के लिए तो शॉटगन का मतलब नहीं है। तो अरे इकट्ठा भी करेगी लग रहा। तो मेरे पास रोड का माइक रखा हुआ था, तो भाई रोड वाला माइक हमने लगा दिया। भाई रोड की क्वालिटी अच्छी होती है, और बाकी तो माइक भाई आपका बोया होया का बहुत तगड़ा तगड़ा माइक है, सस्ता सस्ता माइक है, बहुत तगड़ा काम करता है। लेकिन भाई रोड रोड है, रोड जो है रोडा है, और रोड पे हम लोग चल रहे हैं, रोडा रोड कहीं पहुंच जाएंगे। वाह मोटो ब्लॉगर से पहले लग रहा हम कविता सुनाए लोगों को। चाचा रिकॉर्ड हो रहा है न। अब भाई एक और चीज़, एक तो इसमें सिस्टम है कि आप जैसे गाड़ी वाड़ी चल रही है, आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, आपकी चार्जिंग भी हो जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा कहना ये है, हम रिकमेंड करेंगे कि भैया एक तो बैटरी जो है एक्स्ट्रा रख लीजिए, जो हम नहीं रखे हैं उसको आप रख लीजिएगा, जेब में रख लो, अपना रिकॉर्डिंग करते रहो, जब आपका ख़त्म हो तुरंत जो है दूसरा लगाओ, है कि नहीं। अब भाई हम यही गाड़ी पहनते हैं अपनी, थोड़ी बहुत हम वैसे ज़्यादा तेज चलाते नहीं हैं, घबराहट होती है हमको तेज चलाने में। तो अभी गाड़ी कुछ हमारी लगभग 70-80 चल रही होगी, और आवाज़ आप देखिए, आवाज़ आपको वही रोड के माइक से ही आ रही है। वाइज़र हमारा बंद है, वाइज़र खोलेंगे नहीं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। रिकॉर्डिंग करते करते वहाँ से यहाँ तक आ गए भाई साहब, गाड़ी अब पहुँच गई 80। अब भाई भागने के मामले में गाड़ी बहुत तगड़ी है, और तगड़ी के हिसाब से कंट्रोल भी इस गाड़ी का उतना ही है। ऐसा नहीं ना कि आप 80 भगा रहे हैं ना, 80-90 भगा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि गाड़ी यार कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ब्रेक मारेंगे सटसटा के गिर जाएंगे, ऐसा कौन है ना, दर के दर ब्रेक लगती है भाई, जोरदार है भैया। आहा हाई कोर्ट, अरे अरे हरा है हरा है, भाग ले भाग ले भाग ले चाचा, 18 सेकंड। या जेब में रखे हैं 500 रुपये, अब या तो 500 रुपये का हम जो है गाड़ी में तेल डलवा लेंगे, या 500 रुपये का अपने पेट में तेल डलवा लेंगे, खर्चा ज़्यादा नहीं भाई। हमारे साथ एक तो और चिंपैंजी जा रहा है, ठीक है खर्चा उससे कराएंगे, खुद खर्चा कर देंगे, मतलब क्या होगा भाई। अकेले जा रहे होते तो हम घर से कुछ लेके जाते, रास्ते में खड़े होकर खा लेते, कहीं छोला वोला खरीद लेते, रोटी खा लेते। जो साथ में अपने एक लड़का जा रहा है तो फिर भाई उसका कर्तव्य बनता है कि वो खिलाए हमको, क्योंकि हम उसको बैठा के ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब बात करते करते भैया हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे तनिष्क पे, ठीक है। और अब हमको जाना है बेली, एकदम बेली चौराहे से ही उसको उठाएंगे, फिर अपना सरसरा के निकलेंगे थोड़ा दूर तक, और गोप्रो भी चार्ज कर लेंगे। ये कौन सा सिस्टम है बाबा, इसे ही करके रोकते हैं, हम ना रुकें तो क्या होगा, सब घुस जाएंगे अंदर। ये भाई काली थार अच्छी लगती है, लाल थार बहुत अजीब लगती है भाई। देखे ना कहे थे ना, हमारी किस्मत ऐसी है ना कि जब हम पहुंचते हैं तो लाल लाल, देखो अभी शुरू हुआ। चलिए रिकॉर्डिंग यहाँ रोकते हैं भैया, फिर उसके बाद शिवांग को लेते हैं, फिर आप तक पहुंचते हैं। तो भैया हमने जो है अपना गोप्रो उतार दिया था, ठीक है, काहे कि इसमें बैटरी हो गई थी ख़त्म, इसको किए हैं चार्ज, और अभी ये हमको जो है रिकॉर्ड कर रहा है कि कौन आदमी है। भैया नमस्कार भैया,
और यहाँ गाड़ी धुल रही है, यहाँ हम एक बार गाड़ी आके धुलवा चुके हैं जब ऋषि भैया की शादी हुई थी, तो उधर गांव है बुआ का, ठीक है, तो यहीं आए थे हम, गाड़ी धुलवाए थे और अभी हम लोग निकलेंगे मनगढ़ की तरफ। तो भाई रेडी हैं दोबारा से? इनसे हमने कहा कि हेलमेट हेलमेट पहन लो, कुछ ऐसा पहन लो कि जो है ठंडी ना लगे, तो ये बने थे वो 30 मार्क। हाँ कैसा लग रहा? हम तो भाई देखो हमारा हेलमेट तो पूरा हमको टाइट किया ही है, हम साथ में इसको पहने हैं और उसके बाद क्या कहते हैं वो सब भी पहने हैं, हाइनक वाइनक सब पहने। अबे भाई कट्ठा तो ही उंगली घुस जा रही है देखो एक एक में। माँ मैं आ गया माँ। वाह गजब। बस सीधा भैया आप चलेंगे मनगढ़? चले 20 किलोमीटर बाकी है, बैठे अपने गाड़ी पे, उम्मीद है व्यू अच्छा आएगा। अब लेकिन हम कहा जान दो, इट्स योर डे, आज चार्ज नहीं है मेरा गोप्रो, अब पहला ही दिन था भाई, तो इंसान करते करते सीखेगा। यही वाली रोड जाती है भाई बुआ के यहाँ, भाई उम्मीद है आवाज़ मेरी आ रही होगी, सेटअप निकाल दिए थे, ठीक है, बढ़िया जो है हेलमेट सेट कर लिए भाई, सामने रोड भी दिख रही है, हम लोग भी दिख रहे हैं, आवाज़ भाई आती है भाई, आवाज़ ना रुके, आवाज़ रुक गई, क्या हो गया यहाँ पे? निशान जा रहा भाई, निशान जा रहा है, अभी मस्त एकदम जो है लोग एकदम नाच गाना मचाएंगे यहाँ पे। जय श्री राम। शिवांग जो है पीछे बैठा हुआ है और पीछे बैठ के गाना गा रहा है, जय श्री राम, अरे सारा रा 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 रा, अरे राजा। भाई होंडा वाले गाड़ी बहुत तगड़ी निकाले क्यों भाई? अरे कलुआ कलुआ आ गया था गाइस। तो भाई हम लोग देखिए यहाँ पे आ चुके हैं जगत गुरु कृपालु महाराज के पास, और अब हम लोग चल रहे हैं भक्ति धाम की तरफ, भक्ति मंदिर, और यहाँ पे शुरू भाई काफ़ी काफ़ी साल बाद आ रहे हैं भाई यहाँ पे, नहीं एक बार आए भाई, एक बार आए, बहुत काफ़ी टाइम पहले आए थे, और काफ़ी टाइम बाद आए हैं। चलिए चलते हैं अब वहाँ पे भक्ति मंदिर पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ से बातचीत आपसे करेंगे। चलिए फाइनली हम लोग यहाँ मनगढ़ आ गए हैं, आ बैठो गाड़ी खड़ी कर दें। तो समय भैया सुबह प्रातः दर्शन 8:30 से 11 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से 8 बजे तक, और आरती होती है 4:30 बजे। वाह भक्ति धाम, फिलहाल पहुंच गए हैं और अपनी गाड़ी उधर खड़ी होगी, सामने पार्किंग बनी। अरे बहुत बढ़िया बन गया भाई, ओफ ए भैया कितना रुपए का है पार्किंग? फ्री है, फ्री है, थैंक यू भैया। हेलमेट ऊपर कर दें का है? तो बात सही से आवाज नहीं सुनाई दे रही है, दे रही है। तो हम गाड़ी खड़ी करके आ रहे हैं। हमारी नई गाड़ी है, हम कहा है हम अपनी जिम्मेदारी लें, मेरी खुद की जिम्मेदारी है चाहे जहाँ खड़ी करे। तो भैया फाइनली हम लोग आ गए, गाड़ी अपनी कर दी है खड़ी, और यहाँ इन्होंने कहा है कि
अपनी खुद की जिम्मेदारी पे गाड़ी खड़ी करें। ये इधर देखिए, इसको अभी बाइक में रख के, अबे साले उसको दिखा रहा है चला रहा बीच में तो यहाँ पे है, अपनी जिम्मेदारी पे गाड़ी खड़ी करें। हमारे गाड़ी में भाई देखिए नंबर नहीं डला हुआ है, नई नई गाड़ी है, नंबर डला नहीं हुआ है तो भी आ गए हैं, पुलिस को चकमा दिए। ए भाई देख, जिम्मेदारी तो अपनी है, ठीक है। अब ये गाड़ी कटेगी, मेरा लोग इसको लूना बना के ले जाएं। सुनो, मान लो अगर ये गाड़ी वापसी में नहीं मिली, ठीक है, कम से कम तीन टो गाड़ी आप लेके चलो तब ये आएगी। तो चलिए अब यहाँ से अपना ये वाला हेलमेट का सेटअप ख़त्म करते हैं, उतारते हैं हेलमेट, और अब बाकी जो रिकॉर्डिंग अगर करेंगे तो मोबाइल से करेंगे अंदर की। चलते हैं भाई, बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, एकदम मज़ेदार है। गाड़ी भैया अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी करे थे, अब देखें हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई है कि नहीं। भाई बहुत बढ़िया दर्शन हुआ अपना मनगढ़ में, और आपको वहाँ से यहाँ आने तक की वीडियो अलग मिलेगी और मनगढ़ के अंदर की वीडियो अलग मिलेगी। लोग काफ़ी मतलब बहुत बड़ी वीडियो बन जाती ना, इसलिए जो है इसको मैंने अलग अलग कर दिया। और माइक का जो फिल्टर हमने लगाया था वो भी इससे मांग के लगाए थे, वो पता नहीं कहीं गिर गया। और गाड़ी अपनी खड़ी है यहाँ पे, एक कंपनी वाले 24 घंटा फ़ोन करते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू देम। और चलेंगे भाई, अब शाम का भी टाइम हो रहा है, अपनी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गई। अब भाई हमने दिखाया था ना आपको कितने पे स्टार्ट किए थे, अभी भी उतना ही पेट्रोल है, पेट्रोल अभी कम हुआ नहीं है। 20,000 व्यू गायब हो चुके हैं और इनके यूट्यूब से 20,000 व्यू ही गायब हो गए, लोगों का बैंक से पैसा गायब हो रहा है, इनका व्यू गायब हो गया। वाह भाई वाह, अलग है साहब है। और यहाँ से हम लोग चलेंगे। अब भाई लगी है बहुत तेज भूख, क्योंकि सुबह भी नाश्ता करके निकले नहीं थे और आज कोई व्रत भी है, मम्मी थी तो हमने कहा परेशान करने का कोई मतलब नहीं है, बिना नाश्ता करे निकले थे और लेट भी हो गया था, ये भी कारण है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो खा के ही निकले होते। निकलेंगे भाई तगड़ा कोई ढाबे में रोकते हैं और खाएंगे वहाँ पे बेहतरीन खाना। चलिए भैया अपना अस्त्र लगा लेते हैं जल्दी से, बहुत काम किया भाई ये, इसको हम कभी पहनते नहीं थे लेकिन इस बार जो जो चीज़ पहने हम भाई, इनर नहीं पहनते थे, इनर पहने भाई, बहुत अच्छा काम किया उसने, मज़ा आ गई, ठंडी भर खूब मज़ा आ रही है। पहन लिए भैया, पेटी बांध लिए और घर के लिए कुछ सामान भी लिए हैं, घर वाले ऐसा ना कहें कि खाली हाथ गए और खाली हाथ आ गए, तो घर के लिए कुछ थोड़ा सामान भी ले लिए हैं। रानी अपनी तैयार, वाइजर अपना बंद। भाई जैसा कि सुबह मौसम था ना कि वाइजर जैसे बंद किए, वाइजर बंद होते ही मान, हाँ भैया हेलमेट 2 मिनट के लिए आप निकालिए, गेट पार करके पुनः लगा लीजिए। ऐसा क्यों? कैमरा सब जाओ, ऐसा सिस्टम है क्या? बस एक गेट पार करके भी लगा लीजिए, कोई बात नहीं उतार देंगे। तो भाई बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे निशुल्क पार्किंग है भाई, पार्किंग वार्किंग का पैसा है नहीं, तो अभी यहाँ पे गाड़ी रोके थे कि आप जो है हेलमेट हटा दीजिए, तो एक बार हेलमेट हटा दीजिए उसके बाद बाहर तक निकाल लीजिए फिर पहन लीजिए। तो इससे ये है ना कि भाई आते हुए और जाते हुए गाड़ी, आप सेम गाड़ी से आए और सेम गाड़ी से ही गए हैं, तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस है, अच्छा लगा। और निकल दिए भाई अब अपना इलाहाबाद के लिए, अब जहाँ मिलेगा ढाबा वहीं रुकेंगे। और ये सब बच्चों को देखो, ये शीशा जो है अपना मुंह देखने के लिए लगा रहे हैं। तो 10 बजे का मौसम था आज का सुबह इलाहाबाद का, 10 बजे का जो मौसम था अभी फिर वही बन चुका है, शाम हो चुकी है और बहुत ही तगड़ी ठंडी हवा चल रही है भाई साहब, हमको लग रहा पहुँचते पहुँचते ज़्यादा ठंडी लगेगी। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी दूर चलते हैं, अभी यहाँ से 5.5 किलोमीटर सीधा चलेंगे, उसके बाद ही अपनी रोड आएगी हाईवे वाली,
अभी 5.5 के लगभग, 5.5 नहीं 7 या 8 किलोमीटर यहाँ से सीधा चलेंगे, तब रोड आएगी अपनी हाईवे वाली, फिर निकलेंगे और वहाँ पे जो भी ढाबा भाई मिलेगा वो ढाबे पे रुका जाएगा, कुछ खाया जाएगा, फिर वहाँ से निकलेंगे। और भाई ठंडी तो देखो यार, ठंडी हो रही है, लेकिन ठंडी होने से क्या है ना भाई, कपड़ा भी उतना पहने हुए हैं तो ठंडी उतना असर नहीं करेगी, क्योंकि इलाहाबाद से भी जब हम लोग निकले हुए थे तो ठंडी काफ़ी थी, लेकिन उस ठंडी को चीरते हुए हम लोग बाहर आए। बीच में भाई धूप हो गई थी, बहुत ही मज़ा, बहुत ही गजब का लग रहा था गाड़ी चलाते समय, जब थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई थी। अभी तो धूप अब धीरे धीरे, धूप धीरे धीरे क्या, धूप ख़त्म ही हो गई है, ठंडी अब वापस से ऊपर आ रही है। कोई बात नहीं, यही सोच के ही कपड़ा वपड़ा पहने थे भाई साहब, और ठंडी का मज़ा नहीं लेंगे तो क्या लेंगे भैया। कहा चाचा पूरा घर ही लेके जा रहे हो क्या? देखिए 4 किलोमीटर कुंडा, तो 4 किलोमीटर पे ये हाईवे क्या आएगा? नहीं हाईवे नहीं आएगा, कुंडा है, मार्केट वार्केट होगी वो आएगी। लेकिन बढ़िया दिन था, और लेट हो गया था, हम लोग का प्लान था कि भाई 10 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन भैया ठंडी का टाइम है ना, तो फिर इतना पंक्चुअल इंसान निकल नहीं पाता है ना, कि हाँ भैया बोले हैं 10 बजे तो 10 बजे चल दें। आगे पीछे हो गया, हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके निकले। और दूसरी चीज़ की है, पहला व्लॉग है, मोटो व्लॉग हमारा ये, पहली बार हम हेलमेट पे अपने लगाए हैं कैमरा, तो उसका भी हमको समझना था क्या सिस्टम है, कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे फ्रेमिंग वेमिंग करा जाए, लेकिन सब बढ़िया हो गया, भगवान की कृपा थी। और आज पहला मोटो व्लॉग जो मैंने शुरू किया है वो कृष्ण जी का दर्शन करके ही लिया है, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। भाई साहब काफ़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद अब यहाँ पे एक फौजी ढाबा मिला है, और अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है 483 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे खाना, भाई थोड़ा खा लें, भूख बहुत तेज लगी है। अभी शिवांग को मैंने भेजा था कि भाई चलो पहले पूछ के आओ सिस्टम है यहाँ, पनीर वनीर मिलता है कि नहीं, ना पता चला आलू गोभी सब्जी और रोटी सेक के चाट तो दे दे तो मूड ख़राब हो जाए। भाई ढाबे का मतलब है कि ढाबे स्टाइल में कुछ तड़क भड़क कुछ हो जाए। नहीं हम आलू गोभी वोभी नहीं खाएंगे, आलू गोभी कौन खाता है बे, घर में इंसान आलू गोभी खा रहा है, यहाँ भी खाए बैठ के पनीर मिलती नहीं घर में, महंगा है सिस्टम। गाड़ी खड़ी है, यहाँ से अब खाएंगे भरपेट खाना, और खाना खाने के बाद सीधा फिर अपना इलाहाबाद की तरफ, और देखेंगे अगर लाइट की कंडीशन ठीक रहेगी ठीक है, नहीं तो फिर गोप्रो हटा देंगे, फिर आपको अपडेट कर देंगे घर पहुंचने के बाद कि भैया हम घर पहुंच गए हैं, और यहां से गोप्रो का हिसाब ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब होने वाली है थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, फॉग हो रहा है, ठीक है। और इतना हम ट्रेंड है नहीं भाई साहब, पहला व्लॉग हम कर रहे हैं मोटो व्लॉग, तो ट्रेंड इतना है नहीं, तो फिर रिस्क नहीं लेना है ना भाई, हाईवे है, हाईवे पे रिस्क नहीं लेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं भाई साहब, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही मज़ेदार घूमने टहलने की आप तो भाई बनाएंगे ही बनाएंगे, तो घर की व्लॉगिंग हो गई, घूमेंगे टहलेंगे सब आपको दिखाएंगे, मज़ा करेंगे, सपोर्ट करिए, सपोर्ट के सिवा आप लोग का जब तक सपोर्ट रहेगा नहीं तब तक कुछ होने नहीं वाला है। कहे कि जब तक, जब ऑडियंस का सपोर्ट रहता है, जब एक फैमिली बन जाती है ना भाई, तब मज़ा आता है कि हाँ भाई अब वीडियो डालेंगे तो 1000 2000 500 400 लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, चलते हैं खाएंगे पिएंगे, मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग में, देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग जाएंगे। जहाँ तक उम्मीद है हम लोग करेंगे वाटरफॉल का सोच रहे हैं, वाटरफॉल निकलेंगे तो वहाँ पर भी हम रहेंगे और शिवांग रहेगा। अगर शिवांग का दिल्ली वापस जाना, अगर वो चला गया तो हम अकेले रहेंगे। इसका नाम रखना है भाई, इसका नाम कुछ बताओ, आप लोग से हम ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका नाम कुछ सजेस्ट करिए, इसका नाम कुछ रखना है हमें, इसका कुछ नाम आप बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।